बिहार में फ्रेंड्स जितना भी चाहे स्मार्ट सिटी का नाम हो जाए, लेकिन ये भागलपुर बिहार स्मार्ट सिटी कभी बनने वाला नहीं है। यहाँ पे ना मतलब कि 2007 में जब मैं आया था तो वैसे ही पूरा नालियों का गंदगी रहता था, नाली कभी यहाँ का नहीं सुधरता। और अब 2022 है, अभी भी नाली का वही हाल है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ नालियों का एग्जाम्पल। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बिहार से ज़्यादा गंदगी और कहीं नहीं है। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है। और जब मैं सड़क पर निकलता हूँ ना अपने बिहार में आसपास, तो वहाँ के आसपास के गंदगी देख के मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल पहले भी ऐसे था और 10 साल बाद भी ऐसे ही है। इतना सारा गंदगी नाले का। स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम का दिया गया है लेकिन काम का नहीं है। जिस दिन भागलपुर के गलियों का नाला सुधर जाएगा, गंदगी हट जाएगा, उस दिन भागलपुर को स्मार्ट सिटी कहलाया जाएगा। भागलपुर के नालियों का गंदगी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से। 2007 में भी ऐसे था, 2022 आ चुका है, अब भी ऐसे ही है। ये देखिए फ्रेंड्स, नालियों का बुरा हाल, ये बिहार कभी नहीं सुधरेगा। 2007 में भी मैं ऐसे ही देखा था और 10 साल बाद भी ये नालियाँ सब ऐसे ही है। बस सिर्फ नाम का स्मार्ट सिटी है भागलपुर, काम का कुछ नहीं है। ये देखिए कितना गंदगी पड़ा हुआ है। ये देखिए 2007 में जब मैं आया था 10 साल पहले ऐसे ही था और आज भी ऐसे ही है। इधर का नाली खुला हुआ है, नालियों का दशा देखा कैसा था, सड़क का बस ऐसे ही रहता है, ऐसे ही चलता है। भागलपुर के 70% लोग पढ़े लिखे होते हुए भी अनपढ़ वाली बात करते हैं। यहाँ के लोग छोटे छोटे बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। कोई पानी के लिए लड़ता है तो कोई नाली के लिए, कोई ज़मीन के लिए लड़ता है। यहाँ के लोग ज़्यादातर फिजूल बातों के लिए ही लड़ते हैं, ये मैंने देखा है भागलपुर में। राधे राधे फ्रेंड्स, हम और शिवम जा रहे हैं घूमने मॉर्निंग वॉक पे। ये देखिए हम और शिवम डेली जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे। शिवम मेरे साथ में है, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए सही होता है, ताज़ी ताज़ी हवा मिलता है और जो है जो हवा लगती है शुद्ध हवा होती है सवेरे टाइम। ये सामने हनुमान जी का मंदिर काफ़ी पुराना है। आज इधर से जाएंगे और उजाला देखिए कितना अच्छा हो गया। सवेरे सवेरे मॉर्निंग टाइम में तो उतना भी लोग, 5 बज चुका है और यहाँ जो है बिहार में उजाला थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये देख सकते हैं कि सूरज भी जो है 5 बजे सूरज यहाँ पे निकल जाता है। और जब लुधियाना पंजाब में मैं रहता था तो वहाँ पे जो है 7-7:30 बजे सूरज निकलता था। और हम आ गए हैं चौक पे, वॉकिंग करते करते हम चौक पे आ चुके हैं। ये देखिए चौक पे हम आ चुके हैं।